1888 में स्कॉटलैंड के एक जानवरों के डॉक्टर जॉन डनलॉप ने बर्थडे पर अपने छोटे बेटे को एक साइकिल गिफ्ट की। इस वक्त साइकिल के पहियों पर सख्त रबड़ की एक लेयर चढ़ी होती थी जो कोई खास शॉक अब्जॉर्बर नहीं थी। टूटी सड़क पर साइकिल चलाते हुए जॉन के बेटे को काफी तकलीफ होती थी। इस सूरत को देखते हुए जॉन को एक आइडिया आया। जॉन ने अपने क्लिनिक से एक रबड़ की चादर उठाई जो जानवरों के बिस्तर पर बिछाई जाती थी। जॉन ने इस रबड़ की चादर को काट कर एक ट्यूब की सूरत में सिलाई किया और इसे एयर टाइट बनाने के लिए इस पर सर्जिकल ग्लू लगाई। पहले जॉन ने इस टायर में पानी भरा। पानी चूंकि कंप्रेस नहीं होता, इस वजह से टायर बहुत जल्द लीक हो गया, तो जॉन ने दोबारा टायर में हवा भरी। हवा कंप्रेसिबल होती है, इसलिए हवा वाले टायर में लचक ज्यादा थी और ज्यादा झटके बर्दाश्त कर सकता था, और यहाँ से आजाद हुआ दुनिया का पहला न्यूमैटिक टायर। ऐसे मजीद हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।